So alright, the motivation of this video is to aware those person who are of guilty mind, जिनकी नियत खराब होती है, okay? जो किसी के भी खिलाफ झूठी शिकायत दे देते हैं, especially girls. आपने देखा होगा काफी सारे cases होते हैं जिसमें झूठे छेड़छाड़ के cases होते हैं, जैसे कि उसने मेरे साथ रेप किया है, उसने मेरे साथ ये किया है. I mean fake होते हैं वो fake. तो इन पे क्या कानून है? इन ऐसे केस करने पे क्या सजा हो सकती है? Let's start it. And just felt right. Phone blown like a tailpipe. Today's schedule airtight. It's on a short day into a long night. See you soon if you got the heart. Meet you outside when you So, okay, अगर कोई किसी की झूठी शिकायत करता है, I mean कोई किसी की फेक कंप्लेन करता है, तो इसमें क्या होता है? और पुलिस उस पर एक्शन ले ले, उस झूठी कंप्लेंट पे एक्शन ले ले, इंक्वायरी कर दे, कोई भी स्टेप ले ले, और बाद में पता चले कि जो ये कंप्लेंट है ये झूठी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सब झूठ है, ये किसी को तंग करने के लिए FIR की थी. तो ऐसे में क्या होता है? अंडर सेक्शन 203 ऑफ IPC, जिसने झूठी शिकायत दिया है उसको 2 साल की सज़ा हो सकती है. जो मैक्सिमम सज़ा है इन केसों में वो होती है 2 साल, लेकिन जनरली डिपेंड करता है ये नेचर ऑफ ऑफेंस, जो शिकायत किया वो किस नेचर की है, रेप की है, मर्डर की है, जो भी किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसको सज़ा. लेकिन जो मैक्सिमम सज़ा है वो 2 साल है, 2 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती, ओके? और फाइन भी है, जनरली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ ऑफेंस, किस तरह की हरासमेंट हुई है अगली पार्टी को, कैसा उसे तंग किया गया है, किस मेंटली टॉर्चर किया गया है, फाइन डिपेंड करता है उस चीज़ पर, ओके? लाइव एग्जाम्पल बताते हैं आपको झूठी शिकायत का. हरियाणा में क्या हुआ था 2016-15 में, रोहतक में क्या हुआ था, दो सिस्टर्स थी, तो उन्होंने एक आरोप लगाया दो लड़कों पे कि इन्होंने हमारे साथ छेड़छाड़ किया है. वो मैटर चलता गया कि छेड़छाड़ का मैटर चलता गया, 1-2 साल बाद रिपोर्ट आई जो मैटर था वो झूठ था. जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी सीट के ऊपर, बस में सीट के ऊपर हुई थी. हालांकि वो मामला निपटा लिया गया है वो आपस में पंचायत करके, क्योंकि गाँव का मामला था, अगर वो चाहते थे तो कंप्लेन करा सकते थे झूठी शिकायत का, लेकिन वो आपस में ही वो मामला निपट गया, ओके? सो दैट्स कंक्लूड द वीडियो एंड इट्स ऑल अबाउट झूठी शिकायत. तो मोरल ऑफ द वीडियो यही है कि आप किसी के खिलाफ झूठी शिकायत ना करें. अगर कोई आपके खिलाफ करता है झूठी शिकायत तो आप अंडर सेक्शन 203 ऑफ IPC के तहत उसे सजा दिला सकते हैं, ओके? सो गो एंड टेक द बेनिफिट ऑफ IPC. आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो. बाय.